हेलो एवरी वन वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट माई डियर फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर सेकेंड सेशन विच इज अबाउट कंप्यूटर तो आज हम कंप्यूटर का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने अकाउंट असिस्टेंट में जो हमारा था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सेक्शन वो हमने कवर कर लिया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को ओपन करके लिस्ट में जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका सिलेबस क्या है तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे एग्जाम में आएगा वही हमने पढ़ना है एक्सेस हम कुछ पढ़ लेंगे और वो सिलेबस में नहीं आएगा उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा इसलिए हमें पहले सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा कि क्या क्या है सिलेबस तो फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन कंप्यूटर की और उसके ऑब्जेक्टिव उसके बाद है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स न ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, फिर हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड एमएस एक्सएल एमएसएसएस एमएस पावर पॉइंट पी डी एफ इंटरनेट एंड ई मेल और इसके बाद है पी डी एफ अलग है इंटरनेट अलग है इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस तो वायरस का कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे और लेटेस्ट एंटीवायरसिस कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे जो लेटेस्ट अभी रिलीज हुए हैं एंटीवायरसिस वो भी पढ़ेंगे उसके बाद टर्म्स एंड एब्रीवेशन यूज इन आई टी तो आई टी सेक्टर में इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं और क्या क्या, -क्या इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये जो हमारा कंप्यूटर है ये कितना है थर्टी मार्क्स का है तो वन ट्वेंटी में वन ट्वेंटी मार्क्स में से थर्टी मार्क्स हमारा आ जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा थर्टी मार्क्स कवर होंगे इसमें से तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं जो आज हमारा लेक्चर है वो है बेसिक कंप्यूटर के बारे में हम बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे तो वही है इस लेक्चर में तो क्या क्या हम टर्म्स डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर फिर सीपीयू के बारे में जानेंगे हल्का सा इसके बिट एंड बाइट क्या होता है हार्डवेयर क्या है इनपुट एंड आउटपुट क्या है रैम रोम क्या है स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में हल्का सा इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देख लेंगे आज की वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है अब पर्सनल कंप्यूटर इज यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम तो जो एक पर्सन कोई भी एट अ टाइम यूज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम पर्सनल कंप्यूटर जैसे हमारे डेस्टॉप आगे हम घर में यूज करते हैं या हमारे लैपटॉप्स आगे ये आगे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स डेस्कटॉप हो गए लैपटॉप हो गए जो हमारा एमपी थ्री प्लेयर है पीडीएज एक्सेट्रा ये सब हमारे क्या है ये भी कंप्यूटर्स हैं ये हर चीज क्या आ जाती है ये सब कंप्यूटर्स आ जाते हैं तो हमारा जो मोबाइल फोन है सेल फोन स्मार्टफोन ये भी एक किस्म का कंप्यूटर है तो ये सब क्या आगे हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो हम पर्सनल यूज के लिए इनको यूज करते हैं PC, हम जैसे कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनमें हम हाई एंड वर्क्स करते हैं तो वो आ जाते हैं अलग तरह के कंप्यूटर हमारे ये आगे पर्सनल कंप्यूटर जो हम पर्सनली यूज करते हैं हमारे बेसिक डे टू डे लाइफ में हम जो वर्क्स करते हैं कंप्यूटर के वो सब आ जाएंगे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में जैसे हमारे लैपटॉप आगे हम एमएस ऑफिस यूज करते हैं हम कुछ पावर पॉइंट यूज करेंगे हम ड्राइंग वर्क करेंगे टाइपिंग करेंगे कुछ भी करेंगे इंटरनेट सर्व करेंगे हम यूट्यूब चला रहे हैं वो सब लेक्चर्स देख रहे हैं जैसे आप अपने कंप्यूटर में अगर मेरा लेक्चर देखोगे जो आपका कंप्यूटर ये क्या है ये आगे हमारा पर्सनल कंप्यूटर हम उसको पर्सनल यूज कर रहे हैं हम और एक आदमी पर्सनली उसको यूज कर रहा है तो ये सब आ गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर तो पीसी किस तरह के हैं तो एक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेजोरिटी जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं पीसी में पर्सनल कंप्यूटर ये आ जाते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से हैं मेनली यूज होता है विंडो सेवन अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं उसके बाद विंडो एट और विंडो टेन ये अभी रिसेंटली यही चल रहे हैं ज्यादा है, तो रिसेंटली अभी अपडेटेड सबसे अपडेटेड है विंडो टेन तो ये सब आगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये कौन बनाता है मेड बाय आईबीएम, डेल एंड गेटवे तो ये इनके थ्रू बनाया जाता है कौन सा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये ओनर कौन है इसकी कौन सी ये किस कंपनी के अंदर आता है तो ये आता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है बिल गेट्स की तो ये उसके अंडर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद आता है मैक आ जाता है जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज करता है एप्पल तो एप्पल जो भी अपने कंप्यूटर्स बनाता है उसको उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो विंडो नहीं यूज करता वो यूज करता है मैक जिस तरह से सेलफोन्स से में हम देखते हैं हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो मेजोरिटी स्मार्टफोन्स हमारे आ जाते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में लेकिन जो एप्पल है वो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है आई तो इसी तरह ये एप्पल जो है ये कंप्यूटर्स में भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है उसका नाम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये आ गया एप्पल में तो ये था हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम क्या बोलते हैं सीपीयू ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट है सीपीयू इसके बिना कोई भी काम नहीं चल सकता तो सीपीयू सबसे मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का तो क्या है इसको क्या कहते हैं हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं तो सभी जो भी टास्क हो रहे हैं कंप्यूटर कर रहा है कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है आर्थमैटिकल लॉजिक कोई कैलकुलेशंस कर रहा है कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहा है जो कंप्यूटर हमारा वो किसके थ्रू करता है सीपीयू के थ्रू तो सीपीयू क्या है इसलिए सीपीयू को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का ये क्या है ब्रेन है ये दिमाग है हमारे कंप्यूटर का तो सब कुछ भी हमने कुछ कंप्यूटर को कमांड देनी है वो कमांड किसके थ्रू चलेगी सीपीयू के थ्रू चलेगी कुछ कैल्कुलेशन परफॉर्म करनी है वो सीपी करेगा कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है वो कंप्यूटर को तो ये सब कुछ जो करेगा ये हमारा सीपीयू करेगा हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं वो हमारा डाटा जा रहा है फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा फिर हमें डिजायर रिजल्ट्स देगा जो हमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट या हमारे जो मोनिटर है उस पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा जो हम टाइप करेंगे इनपुट जा रहा है फिर वो उसको प्रोसेस करेगा जैसे हम कोई कैलकुलेशन है मैथमेटिकल आप कुछ प्लस कर रहे हो हम कुछ प्लस कर रहे हैं एडिशन रहे हैं। वो जा रहा है वो प्रोसेस कर रहा है ऑर्थोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसके बाद वो हमें जो स्क्रीन है हमारी मॉनीटर उस पर हमें डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा तो सीपीयू यही काम करता है मेनली ये सब सब जो फंक्शन है कंप्यूटर के वो परफॉर्म करता है और सीपीयू की स्पीड भी होती है किस स्पीड से ये काम कर रहा है तो डिफरेंट टाइप्स के सीपीयूज हैं हर टाइप की अलग अलग स्पीड है जैसे आप मोबाइल फोन से ले लेते हो इसकी एग्जाम्पल ले तो लेते ले हैं हम कि अगर आप मोबाइल फोन ले रहे हो पहले क्या आता था वन गिगहर्ट्स की स्पीड के आते थे मोबाइल फोन जो हमारे जो सीपीयू होता था मोबाइल का तो वो कितना वन गिगह हर्ट टू पॉइंट फाइव गीघ हर्स ऑक्टा कोर डुएल्व कोर सिंगल कोर प्रोसेसर आते थे तो ये सब क्या है ये उसकी जो सीपीयू है उसकी स्पीड है ये स्पीड है उसकी इतनी स्पीड से वो परफॉर्म कर रहा है जैसे वन गिगाट्स का है तो वो क्या कहेंगे कि बिलियन ऑफ सीपीयू साइकिल्स पर सेकेंड तो वन गिगा में तो मेगा आ गया वो मिलियन ऑफ सीपीयू साइकिल्स सीपीयू की साइकिल्स हैं इतने साइकिल्स वो कर रहा है पर सेकेंड में तो ये आ गई उसकी स्पीड तो उसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी सीपीयू की स्पीड को मेयर किया जाता है तो कैसे मेयर करते हैं हमारा फर्स्ट आ गया देखिए मेगा हर्ट्स मेगा हर्ट्स को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं एम जेड मतलब मेगा तो मेगा हर्ट क्या है मिलियंस ऑफ सीपीयू साइकिल्स पर सेकेंड तो पर सेकेंड मिलियंस ऑफ सीपीयू की जब साइकिल्स होती हैं पर सेकेंड उसको हम कहेंगे मेगा हर्ट्स तो ये उसकी मेगा हर्ट में आ गई स्पीड तो गीगा हर्ट क्या हो गया बिलियंस ऑफ साइकिल्स सीपीयू साइकिल्स पर सेकेंड जब सीपीयू की साइकिल्स पर सेकेंड बिलियंस होंगी तो हम क्या कहेंगे वो है गीगा हर्ट उसकी स्पीड कितनी है गीगा हर्ट तो ये सीपीयू सब डिपेंड है स्पीड पे अगर आपका सीपीयू मेगा की स्पीड का है तो वो आपको बिलियन ऑफ सीपीयू साइकिल्स देगा पर सेकेंड अगर वो अपडेटेड है उसकी स्पीड है गीगा हर्ट्स में तो आपको वो देगा बिलियन्स ऑफ सीपीयू साइकल्स पर सेकेंड जैसे हमारा मोबाइल आया था अभी मॉडर्न मोबाइल आप देख रहे हो उनकी जो स्पीड है जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड काफी ज्यादा है जैसे हमारा क्वालकॉम का आ गया ये प्रोसेसर उसके बाद हमारा ये आ गया हमारा स्नैप इसका स्नैप ड्रैगन का तो ये सब क्या है उसकी स्पीड ये प्रोसेसर से अगर इनकी सबकी अपनी अपनी अलग स्पीड है तो ये इतने गीगा के हैं ये इतने मेगा के हैं तो ये क्या करता है स्पीड सब इसकी इस पर डिपेंड करती है जो ये सीपीयू है उसका जो हमारा मोबाइल फोन आ गया जो कंप्यूटर उसमें जो सीपीयू है तो क्वालकॉम स्नैप ड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसमें भी अलग अलग तरह की स्पीड्स हैं तो किस स्पीड का है अगर बढ़िया है तो उसमें वो बढ़िया प्रोसेसर लगा है तो उसकी ज़्यादा स्पीड होगी अगर जो वो नॉर्मल है उसमें नॉर्मल प्रोसेसर लगा है तो उसमें नॉर्मल स्पीड होगी इसी तरह से डिफरेंट मोबाइल फोन्स आ गए एप्पल आ गया उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है उसकी स्पीड्स अलग है दूसरे मोबाइल फोन्स आ गए उनकी भी सबकी स्पीड्स अलग अलग हैं तो ये जो सीपीयू की स्पीड है ये मेयर करते हैं मेगा हर्ट्स गीगा में तो ये आ गई इसकी स्पीड तो हमने पढ़ लिया सीपीयू तो मेन ये क्या है कंप्यूटर का ब्रेन है सभी जो जो फंक्शन है, है हमारा सीपीयू कैलकुलेशंस कुछ भी होगी ये सीपीयू ही परफॉर्म करेगा ये मेनली हमारी इंफॉर्मेशन जैसे हम राम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको डिजायर रिजल्ट्स में हमें प्रोवाइड करेगा सीपीयू तो ये सभी को कनेक्ट करके रखता है कंप्यूटर के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इसके बाद आता है हमारा बिट्स एंड बाइट तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है बिट्स एंड बाइट में से तो क्या है जैसे हम ये ऊपर आप इमेज देख रहे हो कि द दर्ड कूल इन बाइंड्री नंबर तो कंप्यूटर की कोडिंग हमेशा बाइंड्री नंबर में होती है तो कुछ भी हम कोड लिख रहे हैं वो सिर्फ बाइंड्री नंबर में होगा जीरो और वन के फॉर्म में होगा तो बाइंड्री नंबर क्या है वन एंड जीरो कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं दो नंबर को पहचानता है कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर कुछ भी हम कर रहे हैं ऑपरेशन वो सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज में परफॉर्म करता है अब हम देख लेते हैं जो वर्ड है ऊपर कूल cool. जो वर्ड कूल cool है ये यूज कर रहा है फोर बाइट्स को वन फॉर ईच लेटर देख लीजिए ये आ गया कूल cool हमारा तो ये सी ओ ओ एल तो कंप्यूटर ऐसे परफॉर्म करेगा फंक्शन तो ये आ गया हमारी बाइंडरी लैंग्वेज बाइंड्री नंबर वन और जीरो में परफॉर्म करेगा जैसे हमारा ये सी है वन वन जीरो 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 वन जीरो इस तरह से लिखा जाएगा सी और ओ को भी इसी तरह से लिखा जाएगा ओ आगे वापस ओ है वन 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 जीरो जीरो वन जीरो एंड एल को लिखा जाएगा जीरो जीरो वन वन डबल जीरो वन जीरो तो आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि ये सी कैसे आया ओ कैसे आया ओ और एल कैसे आया ये बाइनरी हम कैसे इनको लिखेंगे तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपको वर्ड दे दें कोई जैसे ये कूल आ गया इसको बाइंड्री में कैसे लिखेंगे तो ये इतना डीप नहीं आएगा तो हमें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए बिट और बाइट की क्या होता है तो इस तरह से लिखा जाएगा कूल cool को और कोई वर्ड होगा उसको भी कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में ऐसे हम तो लिखेंगे कूल बट कंप्यूटर जो अपनी लैंग्वेज है उसमें इसको चेंज कर देगा जैसे जी हमने ऊपर कोड्स लिखे हैं तो कंप्यूटर मेनली दो नंबर्स को ही पहचानता है वन और जीरो को अब बिट क्या है बिट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे है? हम कंप्यूटर में बिट आइदर वो वन है और जीरो चाहे जीरो हो चाहे वन हो उसको हम क्या कहेंगे बिट बिट में आ जाते हैं वन और जीरो अब इसके बाद क्या है ये जो है ये सब है इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब है सबसे पहले एट बिट तो अगर हमारे पास एट बिट होंगे तो क्या बनेगा वो बनेगा बाइट एट बिट से क्या बनेगा बाइट तो ये पूछ सकते हैं कि एट हाउ मेनी बिट्स अ बाइट टू फोर सिक्स एट द करेक्ट आंसर इज एट बिट्स मेक्स अ बाइट तो ये आ गया एट बिट से क्या बनेगा बाइट अगर हमारे पास बिट्स कितने होंगे फोर होंगे तो फोर बिट से क्या बनेगा हमारा बनेगा फोर बिट से क्या बनेगा निबल तो निबल कैसे बनेगा फोर बिट से और एट बिट से क्या बनेगा बाइट एट बिट से बाइट फोर बिट से निबल अब आ जाते हैं वन जीरो टू फोर बाइट जब हम वन जीरो टू फोर बाइट्स लेंगे तो क्या बनेगा वन किलोबाइट वन किलो बाइट मीन्स वन के बी हम मेमोरी में देखते हैं आप सब जानते हैं केबी हम कोई फोटोग्राफ लेते हैं या कुछ लेते हैं आप किसी को इमेज भेजते हो तो उसका साइज होता है हंड्रेड केबी टू हंड्रेड केबी थ्री हंड्रेड केबी जब कोई पीडीएफ फाइल ले रहे हो आप उसका साइज होगा तो ये क्या हो गया उसका साइज स्टोरेज कितनी वो यूज कर रहा है तो वो यूज कर रहा है वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट को यूज कर रहा है वन जीरो टू फोर बाइट को तो जब कोई भी फाइल वन जीरो टू फोर बाइट को यूज करेगी तो हम क्या कहेंगे ये है वन किलो बाइट तो वन किलो बाइट किसके बराबर है वन जीरो टू फोर बाइट और वन के बी और जब हम ले लेंगे वन जीरो टू फोर किलो बाइट को वन जीरो टू फोर केबी को ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा एक एमबी वन एम बी एमबी जैसे हम फोटोग्राफ लेंगे उसका साइज टू एम बी थ्री एम बी फोर एम बी कोई सॉन्ग होगा वन एम बी टू एम बी फाइव एम बी टेन एम बी वीडियो होगी ट्वेंटी एम बी हंड्रेड एम बी फाइव हंड्रेड एम बी तो जैसे ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसका साइज होगा अपना फाइव हंड्रेड एम बी सिक्स हंड्रेड एम बी तो ये क्या आ गया एम बी मेगा बाइट जब वन जीरो टू फोर जब के बी हो जाएगा तो हमारा क्या होगा साइज वो होगा वन एम बी 1 वन मेगा बाइट और जब हम एम बी को लेंगे वन जीरो ले लेंगे जब हम वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर एम बी को लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा वन जी बी मीन्स वन बाइट जैसे हम मूवीज लेते हैं आपने मूवीज देखी होंगी आप किसी से मोबाइल में लेते होंगे मूवीज शेर से आप ले रहे होंगे तो आपने देखा होगा साइज वन जीबी की मूवी है वन पॉइंट फाइव जीबी की मूवी है तो ये क्या आ गया उसका साइज मतलब वन जीबी की मूवी होगी मीन्स कि उसमें वन जीरो टू फोर एम बी है उसका साइज जो है वो है वन जीरो टू फोर एम बी और उसको हम क्या कहेंगे वन जीबी मतलब उसका साइज क्या है वन जीबी जैसे हम इंटरनेट पैक करते हैं तो हमारा पर डे हमें मिलता है वन जीबी तो ये क्या आ गया इतने साइज का हमें डेटा मिलता है वन जीरो टू फोर एम बी का तो ये क्या आ गया वन जीबी अब अगर वन जीरो टू फोर जीबी हो गया हमारे पास अगर हमारे पास वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर जीबी हो गया तो क्या होगा वो बनेगा वन टीबी के बराबर मतलब 1 जब वन थाउजेंड टू फोर जीबी होगा तो क्या बनेगा वो वन टेराबाइट वन टेराबाइट बहुत लार्ज स्टोरेज यूनिट है मीन्स वन मोर देन वन थाउजेंड जीबी जब मोर देन वन थाउजेंड जीबी होगा मीन्स वन जीरो टू फोर जीबी तो क्या हो जाएगा वन टेराबाइट मतलब वन टीबी आप देख रहे हो अभी जो रिसेंट लैपटॉप आ रहे हैं सभी वो तकरीबन उनमें जो स्टोरेज है वो one, one वन वन टीबी के बराबर आपने हार्ड डिस्क देखी होंगी वन टीबी की हार्ड डिस्क टू टीबी हार्ड डिस्क थ्री टीबी हार्ड डिस्क ये हार्ड डिस्क आगे गई मीन्स इनमें वन टीबी हार्ड डिस्क में क्या आ गया वन जीरो टू फोर जीबी स्टोरेज है इतना डेटा हम वन जीरो टू फोर जी का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं उस हार्ड डिस्क में वन टीबी के हार्ड डिस्क में नेक्स्ट है अगर हमारे पास हो वन जीरो टू फोर टीबी हो जाए हमारे पास मतलब वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर टीबी होगी तो वो होगी किसके बराबर वन पेटाबाइट मीन वन पीबी वन पीबी के बराबर होगी वन जीरो टू फोर टीबी वन तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये

वन पेटाबाइट का साइज कितना है वन टेराबाइट का साइज कितना है गीगाबाइट का साइज कितना है वन मेगाबाइट का साइज कितना है किलोबाइट का साइज कितना है और इसी के साथ हमें यह भी बताना चाहिए कि निबल किसके बराबर है फोर बिट्स के बराबर है और वन बाइट किसके बराबर है एट बिट्स के बराबर है तो ये हमें यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है हमें एट बिट और फोर बिट्स के में जैसे बाइट्स पूछ लें वहां पे ऑप्शन आ जाए एट बिट्स और फोर बिट्स तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि एट बिट्स हम एक बाइट के बराबर हैं और फोर बिट्स किसके बराबर हैं एक निबल के बराबर हैं तो ये कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों ऑप्शन में दिए जा सकते हैं एट बिट्स और फोर बिट्स अगर आपने हल्के हल्के से ही पढ़ा है इसको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एट बिट था या फोर बाइट था तो इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं उसके बाद इसको अच्छे से आप रिवाइज करें ताकि ये आपको याद रहे कि वन जीरो टू फोर एम बी किसके बराबर होता है वो आपको ताकि एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन आएगा आप उसको टिक करेंगे और आगे चलेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को सोचें और उस पर टाइम लगाएं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको टाइम भी लगेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आप विद इन थ्री और फोर में आप उसको सॉल्व कर लें तो अगर आप कुछ क्वेश्चन विद इन थ्री फोर सेकंड सॉल्व करेंगे वो टाइम आपका सेव होगा और वो आप यूज करेंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन हैं वहां पे आप उनको यूज कर सकते हैं जैसे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन गए वहां पर आपको सोचना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा आपको इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आ गया वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा कंप्यूटर्स के कुछ टफ क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा वो टाइम कंज्यूमिंग हो और आप यही टाइम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आगे जो यही टाइम आपको वन जीरो के बी आपको पता है वन एम बी आप ऑप्शन देखेंगे वन एम बी टिक चलो आगे कितना टू और थ्री सेकेंड्स आपके लगेंगे तो कुछ क्वेश्चन आप कुछ जल्दी सॉल्व करने होंगे ताकि जो आपका टाइम है वो सेव हो सके और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकें जो हमारे टफ क्वेश्चन होंगे जहां हमें वन टू टू मिनट्स भी लगेंगे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको टू टू मिनट्स लगेंगे थ्री थ्री मिनट्स भी लगेंगे सोचने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उन क्वेश्चन में आप ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं तो इसलिए ये आपको रट होने चाहिए कि, कि किसका साइज कितना है नेक्स्ट आ गया हमारा हार्डवेयर तो हार्डवेयर क्या है हार्डवेयर क्या है कलेक्शन है किसका फिजिकल डिवाइस दैट मेक अप ओवर कंप्यूटर सिस्टम जो फिजिकल डिवाइस आ गए जो हमें दिख रहे हैं जिनको हम टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं वो आ गया हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे ये ये आप इमेज देख रहे हैं ये आ आगे स्पीकर स्पीकर क्या है हार्डवेयर माउस आ गया हमारा हार्डवेयर माइक्रोफोन आ गया ये यहां पे लगा है ये हार्डवेयर हो गया कीबोर्ड है ये भी हार्डवेयर है स्पीकर यहां आ गए ये भी हार्डवेयर है सीपीयू आ गया हमारा हार्डवेयर स्क्रीन आ गई हार्डवेयर और मोनिटर आ गया ये आ गया हमारा हार्डवेयर तो ये जो सब चीजें हैं इनको हम देख सकते हैं कंप्यूटर में एंड हम इनको टच भी कर सकते हैं आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो आप माउस को टच कर सकते हो आप सीपीयू को टच कर सकते हो आप स्पीकर्स को टच कर सकते हो आप माइक को भी टच कर सकते हो तो ये सब आ गया हमारा हार्डवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और इनको हम और क्या कहेंगे इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स भी कहते हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स तो ये आ गया हमारे हार्डवेयर तो ये इजी है जिसको हम देख सकते हैं वो आ गया हमारा हार्डवेयर देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो आ गया हमारे हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड आ गया माउस आ गया माइक्रोफोन आ गया इनमें ये पूछ भी सकते हैं ये बहुत सिंपल होगा एमसीक्यू ऐसे पूछ सकते हैं कि जो माइक्रोफोन है हमारा तो आपको ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्डवेयर माइक्रोफोन दे दिया उसके बाद आपको दे गए एप्लीकेशन दे दिया सॉफ्टवेयर आपको गूगल क्रोम दे दिया आपको मोजिला फायरफॉक्स दे दिया तो पूछ लिया हार्डवेयर क्या है तो हमें पता होना चाहिए हम किसको टच कर सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स को टच कर सकते हैं नहीं कर सकते हम गूगल क्रोम को टच कर सकते हैं नहीं कर सकते हम ओपेरा मिनी को टच कर सकते हैं नहीं कर सकते बट हम टच किसको कर सकते हैं हम स्पीकर को टच कर सकते हैं तो स्पीकर क्या आ गया हमारा हार्डवेयर हम माइक है माइक क्या आ गया हमारा हार्डवेयर माइक को हम टच कर सकते हैं तो ये सब चीजें क्या, आपको हो गया, क्या है? तो इसके बाद हम आगे कंपोनेट आगे हार्डवेयर आगे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इनपुट क्या है यूजर इंटर इंफॉर्मेशन इंटू कंप्यूटर कोई भी यूजर है सपोज मैं कंप्यूटर के आगे बैठा हूं तो मैं कुछ सर्च कर रहा हूं गूगल से गूगल से अब मेरा चैनल सर्च कर रहे हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग बाई जेके स्टडी हॉटस्पॉट अब ये चेक कर रहे हैं या यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हैं चैनल जेके स्टडी हॉटस्पॉट तो ये क्या कर रहे हैं आप एंटर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में आप चाहे मोबाइल से कर रहे हैं मोबाइल भी ये कंप्यूटर है आप एंटर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में तो ये क्या आ गया हमारा इनपुट डिवाइसेस हमारा कीबोर्ड है कीबोर्ड से हम एंटर कर रहे हैं ये आ गया हमारा इनपुट डिवाइसेस अब सपोज आपने कंप्यूटर सिस्टम खोला है अब आपने क्या करना है यूट्यूब खोलना है कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करेंगे आप माउस खोलेंगे आप यूट्यूब एप्लीकेशन ढूंढेंगे सॉफ्टवेयर यूट्यूब का है एप्लीकेशन। उसको क्लिक करेंगे तो ये क्या है इनपुट हमारा माउस क्या हो गया इनपुट डिवाइस हमने कोई कमांड उसको दी माउस से हमने यूट्यूब की एप्लीकेशन को कमांड दी कि ओपन होने के लिए तो ये क्या है ये आ गया हमारा इनपुट डिवाइस माउस हो गया हमारा इनपुट डिवाइस हमने एक क्या की कमांड दी उसको अब यूट्यूब हो गया ओपन अब आपने क्या करना है मेरा चैनल सर्च करना है जेके स्टडी हॉटस्पॉट आपने की लिया आपने लिखा टाइप किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट तो ये क्या आ गया हमारा ये भी की आ गया इनपुट डिवाइस आपने कुछ इनपुट दिया है उसको आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करो कि हमें आउटपुट दो आपने इनपुट दिया जेके स्टडी हॉटस्पॉट आपको आउटपुट क्या मिलेगा स्क्रीन क्या देगी मेरा चैनल खोल देगी मेरा चैनल खुल जाएगा वो आ गया हमारा आउटपुट तो आपने दिया इनपुट तो कीबोर्ड क्या आ गया इनपुट डिवाइस अब आपने लिख दिया जेके स्टडी हॉटस्पॉट वहां पे आ गया जेके स्टडी हॉटस्पॉट ठीक है अब आपने चैनल को खोलना है फिर से आप लोगे कीबोर्ड बोर्ड सॉरी माउस माउस से आप क्लिक करोगे जेके स्टडी हॉटस्पॉट पे और चैनल खुल जाएगा अब आपको ये वाली वीडियो देखनी है कंप्यूटर की आप ढूंढेंगे आपको मिल गई कंप्यूटर की वीडियो आप फिर से माउस लेंगे क्योंकि कीबोर्ड से तो आप कर नहीं सकते सबका अपना अपना टास्क है कीबोर्ड का काम है टाइप करना और माउस का काम है माउस पॉइंटिंग डिवाइस है आपने पॉइंट करना है उस पर और उसको ओपन करना है तो आप माउस लेंगे और उस स्पेसिफिक वीडियो जो आपने जैसे ये आज वाली वीडियो है आपने ये प्ले करनी है तो आप उस वीडियो पे लाएंगे कर्सर को और आप क्लिक कर देंगे और वीडियो ओपन हो जाएगी तो ये क्या आ गया हमारा माउस भी क्या आ गया इनपुट डिवाइस तो आपको समझ आ गया कैसे हमने हमारे चैनल को खोला तो पहले हमने माउस लिया फिर हमने कीबोर्ड से टाइप किया फिर माउस से हमने ओपन किया तो ये क्या आ गया हमारा इनपुट डिवाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल इजी वे में मैंने समझा दिया है कि क्या है इनपुट डिवाइस जो भी हम इनपुट टास्क परफॉर्म करें कुछ भी कंप्यूटर को टास्क दे रहे हैं वो आ गया हमारा इनपुट डिवाइस अब है आउटपुट डिवाइस अब इनपुट तो दे दिया अब आउटपुट क्या है वापस शुरू से देखते हैं माउस लिया और कीबोर्ड लिया हमने एप्लीकेशन खोली यूट्यूब सर्च किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट ठीक है अब देखिए जब हमने यूट्यूब माउस से क्लिक किया तो हमें जब एप्लीकेशन खोली हमने यूट्यूब और हमने सर्च किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट तो आपको स्क्रीन पे क्या मिला मेरा चैनल खुल गया जेके स्टडी हॉटस्पॉट तो जब वो चैनल खुला आपको किस में दिखा वो वो हमें दिखा स्क्रीन पे हमें वीडियो पे दिखा जो हमारी स्क्रीन है मॉनिटर है तो जो इन्फॉर्मेशन हमें उस पर दिखी वो क्या हमारा आउटपुट हमने इनपुट किया हमारे चैनल के नाम को और आउटपुट क्या मिला हमें चैनल खुल के मिल गया तो ये आ गया हमारा आउटपुट डिवाइस जो डिवाइस हमें आउटपुट दिखाएगा जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें आउटपुट दिखाएगा वो आ गया हमारा आउटपुट डिवाइस आई होप आपको क्लियर हो गया आउटपुट डिवाइस क्या है इनपुट से हमने इनपुट किया सर्च किया और जो वो सर्च रिजल्ट प्रोसेस होके जब यूट्यूब ने प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसने हमारी कमांड उधर गई वहां से प्रोसेस होकर जब वो हमारे पास वापस आ गया तो वो क्या है आउटपुट है इंफॉर्मेशन और हमें किसके थ्रू मिली है वो वो हमें मिली है विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब वीडियो जिसको हम क्या कहते हैं हमारा मॉनिटर कहते हैं स्क्रीन आ गई तो स्क्रीन में हमें जो दिखा वो आ गया हमारा आउटपुट तो क्या आउटपुट कंप्यूटर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन बैक टू यूजर जब यूजर को कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन वापस प्रोवाइड करेगा वापस इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको हम क्या कहेंगे वो हमारा क्या है आउटपुट हमें इन्फॉर्मेशन वापस मिली वो आ गया हमारा आउटपुट अब आउटपुट सिर्फ एक वीडियो नहीं है सिर्फ हमें स्क्रीन पे ही आउटपुट नहीं मिलती हमें इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे ही नहीं मिलती जैसे हमने इनपुट के लिए सिर्फ कीबोर्ड इनपुट नहीं है हमने माउस से भी यूज किया माउस भी एक इनपुट डिवाइस है हमने पॉइंट किया कर्सर को वहां लाया क्लिक किया ओपन किया अगर आप एप्लीकेशन नहीं ओपन करोगे तो की का कहा काम आएगा आपको कहीं पे तो सर्च करना है जहां पे सर्च करना है आप उसको पहले सिलेक्ट तो करेंगे तो सिलेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास माउस है और सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास आ गया माउस तो ये है माउस हमारा और कीबोर्ड आ गया हमारे पास टाइप करने के लिए तो अब ये आ गया हमारे पास इनपुट डिवाइस अब है हमारे आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट देखो कैसे आएगा सबसे पहले तो स्क्रीन आ गई ओके okay. हमारी ये स्क्रीन आ गई कंप्यूटरी तो ये स्क्रीन है इसपे हमारा चैनल आ गया तो वो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आ गई हमारी आउटपुट इसके अलावा और क्या आउटपुट है देखो आपने चैनल लिया ठीक है आपने चैनल से कुछ सर्च किया वो आ गया हमारे पास आउटपुट अब मैंने कोई चैनल पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं कुछ मैंने वहां पे लिंक्स दिए हैं नोट्स के ठीक है आप उस पर क्लिक करोगे इनपुट डिवाइस से माउस से अब आपको इंफॉर्मेशन खुल जाएगी मॉनिटर पे ठीक है आपको पीडीएफ फाइल खुल गई ओके जैसे मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स दिए हैं तो वीडियोस में तो वहां पे आपको मिल गई नोट्स आपका ओपन हो गए पीडीएफ फाइल आप देख रहे हो मॉनिटर में अब आपको चाहिए कि मैं ये नोट्स बार बार कौन कंप्यूटर ओपन करेगा तो मुझे इसकी कॉपी चाहिए प्रिंट चाहिए इसका तो आप क्या करोगे जो हमारा आ जाता है यह है प्रिंटर यह आ गया प्रिंटर आप प्रिंटर से उसकी जीरोक्स कॉपी निकाल दोगे उस पीडीएफ फाइल की तो जो जीरोक्स कॉपी है ये भी क्या है ये भी हमारे पास आउटपुट फाइल है क्योंकि आपने जो सर्च किया था आपको फाइल चाहिए थी वो आपको मिली स्क्रीन पे उस स्क्रीन से आपने कॉपी कर दी जीरोक्स कर दी आपने तो जो जीरोक्स फाइल है ये भी क्या है आउटपुट फाइल है तो यो आउटपुट फाइल निकाल रहा है हमारा प्रिंटर प्रिंटर भी क्या आ गया आउटपुट डिवाइस आई होप क्लियर हो गया प्रिंटर भी क्या आ गया आउटपुट डिवाइस और उसके बाद स्पीकर देखिए जिस स्पीकर है तो हम कोई सॉन्ग सर्च कर रहे हैं तो आपने कोई सॉन्ग लगाया है क्या आप वीडियो देख रहे हैं हमारी कोई तो आपने अगर जो अपने सिस्टम को स्पीकर से कनेक्ट किया है कंप्यूटर को तो जो स्पीकर से जो मेरी वॉइस आपको आ रही है जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है आउटपुट है और वो किसके थ्रू आ रहा है स्पीकर के थ्रू जो स्पीकर है हमारा ये भी क्या आ गया आउटपुट डिवाइस तो यहां पे हमारे पास है कैमरा कैमकॉर्टर है ये हमारा तो ये क्या है अब इसमें देखिए ये डुअल फंक्शन कर रहा है किस प्रकार आपने फोटोग्राफ क्लिक किया अब आपने ये क्या किया इनपुट दी आपने क्लिक किया ये आ गया हमारा इनपुट अब अगर फोटोग्राफ में आपके स्क्रीन है जैसे डिजिटल फोटो कैमरेज आ रहे हैं अब आपने क्लिक करके आपने वो इमेज को देखा आपने स्क्रीन में देखा तो वो क्या आ गया आउटपुट आपने क्लिक किया इमेज को वो आ गया इनपुट हम मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं हमारा मोबाइल फोन है हम वीडियो बना रहे हैं या फोटोग्राफ ले रहे हैं हमने जब क्लिक किया तो वो हमने क्या दी उसको इनपुट दे दी कि फोटो को क्लिक करो तो फोटो को कैप्चर करो वो आ गया हमारा इनपुट अब उस फोटो को जब हम वॉच कर, कर रहे हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ही तो वो क्या आ गया हमारा आउटपुट वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है हमारा जो तो सिस्टम है मोबाइल का वो हमें आउटपुट उसकी प्रोवाइड कर रहा है इस प्रकार कैमरे में भी है वो डिजिटल कैमरा है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है अगर डिजिटल नहीं है तो हम उसकी कॉपी जब निकालेंगे हम तो वो आ जाएगा हमारे पास आउटपुट तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट डिवाइस तो बहुत से आउटपुट डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस है प्लॉटर आ गया हमारा प्रिंटर आ गया हमारा वीडियो आ गया स्क्रीन आ गई हमारे ये स्पीकर्स आ गए तो ये सब क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हम हमारे कीबोर्ड बोर्ड आगे हम डिटेल नेक्स्ट वीडियोज आएगी जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारा माउस आ गया हमारा कीबोर्ड आ गया उसके बाद हमारा पॉइंटर आ गया पॉइंटर से जिसपे हम पॉइंट कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं जैसे ये आप देख रहे हैं मैं पेन चला रहा हूं अभी ये मैंने यहां पे सर्कल ड्रा किया तो ये क्या है ये भी मेरा इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से मैं जो अपनी स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूं ये भी क्या गया? तो आ गया इनपुट डिवाइस तो हमारे पॉइंटर्स आ गए जॉयस्टिक आ गया ये सब क्या है इनपुट डिवाइसेस हैं तो ये हम नेक्स्ट सेशन में जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे तब तो हम पढ़ेंगे इसको वापस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इसके बाद यहीं पे है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स तो हमारे कुछ कंप्यूटर्स में हमारे पोर्ट्स होते हैं हमने देखा है इनपुट और आउटपुट के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं पोर्ट्स जैसे फर्स्ट है हमारा यूएसबी पोर्ट तो आप सभी जानते होंगे यूएसबी पोर्ट क्या है हमारी जो यूएसबी केबल है हमारी जो मोबाइल की चार्जिंग केबल है हम उसको जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं जो हम चार्जिंग की जो हमारी डिब्बी आती है इतनी सी अडॉप्टर कहते हैं जिसको उसके साथ जब हम लीड को कनेक्ट करते हैं तो वो जो पोर्ट है हमारा उसको हम कहेंगे यूएसबी पोर्ट वो जो चार्जिंग केबल के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं तो वो आ गया हमारा यूएसबी बी पोर्ट तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी कुछ यूएसबी पोर्ट्स होते हैं तो यहाँ पे हम अपने जो हमारे डिवाइज हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं जैसे हमारा सीपीयू हमारा सॉरी माउस आ गया हमारा कीबोर्ड आ गया इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे इनको हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूएसबी बी तो यूएसबी पोर्ट्स पोर्ट्स के थ्रू हम इनको कनेक्ट करेंगे इन चाहे वो हमारा माउस हो चाहे वो हमारा कीबोर्ड हो मैं आपको दिखा देता हूं अभी कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको लैपटॉप से बताता हूं तो पोर्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा लैपटॉप तो ये आ गया हमारा यूएसबी केबल तो ये यूएसबी पोर्ट है तो इसको जब हम यहां पे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे ये आ गया हमारा यूएसबी पोर्ट आई होप आपको दिख रहा होगा तो यूएसबी पोर्ट को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये आ गया यूएसपी पोर्ट में कनेक्ट हो गई गए केबल इसी प्रकार हम जो हमारा की है उसको भी कनेक्ट करेंगे और हमारा जो माउस है उसको भी हम इसी प्रकार जो यूएसपी पोर्ट से हमारे लैपटॉप आ गया ये या हमारा कंप्यूटर आ गया उनमें जो पोर्ट्स हैं उनमें हम कनेक्ट करते हैं फिर हम इनपुट चाहे देंगे चाहे हम आउटपुट लेंगे हमने यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट किया जो हमारी डाटा केबल थी अब हम अपने मोबाइल फोन से कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम इनपुट दे रहे हैं हमारे लैपटॉप को और वहां से अगर हम कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं मोबाइल में तो हम आउटपुट ले रहे हैं हमारे पीसी से तो ये आ गया यूएसबी पोर्ट अब आपको यूएसबी पोर्ट समझ आ गया होगा अब है फायर वायर।, तो फायर वायर क्या है ये भी एक पोर्ट है यूएसबी की तरह यहाँ पे ज्यादा क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे हमारे जो डिजिटल कैम क्वार्टर हैं हम उनको यूज करेंगे जो हमारे पास एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं हार्ड डिस्क हैं एक्सटर्नल्स कुछ उनको यूज करते हैं लेकिन ये अभी बहुत लेस यूज होता है फायर वायर जो पोर्ट है अभी मेनली कौन सा यूज होता है यूएसबी पोर्ट ही यूज होता है हमारे कैंप क्वार्टर्स आ गया हमारे हार्ड डिस्क आ गई ये ड्राइव भी यूएसबी पोर्ट में यूज होती है बट फायर वायर पोर्ट भी यूज होता था बट ये अभी बहुत लेस यूज होता है इसके बाद आ गया कंपैक्ट फ्लैश कार्ड मतलब सी एफ कार्ड्स तो सी एफ कार्ड क्या है सी एफ कार्ड्स ये जैसे हमारा एस डी कार्ड आ गया उसी की तरह है ये सी एफ कार्ड्स तो इनका पोर्ट होता है अलग यहाँ पे ये लगते हैं सी एफ कार्ड तो ये क्या है ये मोर फास्टर और ड्यूरेबल है हमारे एस डी कार्ड से तो इसको फर्स्ट बनाया था जो सैंडिस हमारे कंपैक्ट फ्लैश सी एफ कार्ड को इसमें मेनली हम जैसे कैमरे में जो कार्ड यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सी एफ कार्ड कंपैक्ट फ्लैश कार्ड्स उसके बाद आ गया हमारा सिक्योरिटिस्क मीन एस डी कार्ड एस डी कार्ड जो हम आप सब जानते हो मोबाइल फोन में यूज करते हैं मेमोरी कार्ड बोलते हैं जिसको हम ये आ गया हमारा एसडी कार्ड बहुत सी कंपनीज का है चाहे वो किंगस्टन का है चाहे वो हम सैमसंग का लेते हैं हम सोनी का है हमारे सैंडिस का है ये सब आ गया हमारा मेमोरी कार्ड आ गया एस कार्ड तो जो सी सॉरी सी कार्ड है कम्पैक्ट फ्लैश कार्ड ये फास्टर और ड्यूरेबल है देन एस कार्ड से तो ये आ गया हमारे कुछ पोर्ट्स तो एस कार्ड का अलग पोर्ट होता है हमारे सिस्टम है चाहे वो मोबाइल फोन हो चाहे हमारा कैमकॉर्डर हो उनमें अलग पोर्ट्स होते हैं तो ये सब आगे डिफरेंट पोर्ट्स यूएसबी बी फायर वायर कंपैक्ट फ्लैश और सिक्योर डिस्क तो आई होप आपको इनपुट और आउटपुट पोर्ट समझ आगे होंगे अब नेक्स्ट चलते हैं रैम एंड रोम तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है रैम और रोम क्या होता है तो कंप्यूटर में मेनली दो तरह की मेमोरी होती हैं एक आ गई हमारी रैम रैम होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होगी रीड ओनली मेमोरी दे डिपेंड ऑन देयर टास्क इनका अपना अपना काम है रैम अलग काम कर रही है और रोम अलग काम कर रही है तो रोम क्या है ये परमानेंट इंफॉर्मेशन है मतलब रोम में आप कुछ स्टोर कर रहे हो वो परमानेंटली वहां पे स्टोर हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपने कुछ डाटा स्टोर किया वो लॉन्ग टर्म के लिए जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर रहे वो आपका वहीं रहेगा ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है और परमानेंट इन्फॉर्मेशन है और इसी के प्रकार जो रैम आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी ये टेम्परेरी इंफॉर्मेशन है और ये शॉर्ट टर्म के लिए रहती है शॉर्ट टर्म मेमरी है और इरेज वैन कंप्यूटर टर्न ऑफ जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो रैम क्या हो जाएगी इरेज हो जाएगी अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं मोबाइल फोन्स को लेके क्योंकि मोबाइल फोन्स की आपको प्रॉपर नॉलेज है सबको पता है अब मोबाइल फोन्स में भी हमारी रोम और रैम है अब आप देखते हैं मोबाइल लेते हैं वन जी रैम का टू जी बी रैम थ्री जी बी रैम फोर जी बी रैम एट जी बी रैम तो ये आगे हमारे मोबाइल फोन्स ऑन द बेसिस ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमरी अब मोबाइल की जो स्पीड है परफॉर्मेंस है वो हमारी डिपेंड करती है रैम पे हमारी एक आगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है उसके बाद हमारी आगे रैम उसकी रैम कितनी है अगर तो वो वन जी बी है तो वो टेम्परेली वन जी बी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा जो हमारी एप्लीकेशन सामने हमने फेसबुक रखा है हमने व्हाट्सएप रखा है हमने इंस्टाग्राम रखा है हमने यूट्यूब है हमारे फोन में गूगल मैप है और ना जाने कितनी सी एप्लीकेशन है प्री इंस्टॉल्ड कितनी गूगल की एप्लीकेशन आती हैं उसके बाद हम जो इंस्टॉल करते हैं टेलीग्राम आ गया कुछ और जो भी हम एप्लीकेशन एमेजन फ्लिपकार्ट स्नैपडील ये सब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल जो कर रहे हैं तो ये सब क्या यूज करती हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये टेम्परेली इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज है उसको टेम्परेली रहती है और शॉर्ट टर्म के लिए रहती है और जब हमारे सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो ये सब इरेज हो जाएगी अब आपने सपोज व्हाट्सएप खोला है आपने यूट्यूब भी खोला है आपको बैकग्राउंड में चल रहा है आपका यूसी ब्राउजर चल रहा है आपका ओबेरा मिनी चल रहा है आपका कोई गेम्स चल रही हैं एक दो गेम्स चल रही हैं तो ये सब क्या यूज कर रहे हैं ये सब हमारी रैम को यूज कर रहे हैं अब आप दस एप्लीकेशन खोलोगे तो वो ज्यादा रैम यूज करेंगे अब आप एक खोलोगे तो वो कम रैम यूज करेगी अब रैम का क्या है अगर आपका एक जी की रैम है तो वो एक जी तक ही आपको एप्स को एक्सेस देगा उसके बाद आपका फोन लैग करने लगे आपका फोन हैंग होने लगे हमारा फोन कभी हैंग होता है वो इसीलिए होता है कि हमारी जो रैम है वो कम होती है और हम एप्लीकेशन उसको ज्यादा इंस्टॉल करते हैं तो ज्यादा एप्लीकेशन होंगी वो ज्यादा स्टोरेज लेंगी उनको रैम ज्यादा चाहिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फॉर टेम्परली तो वो हमारा फोन लैग करेगा या हैंग करेगा तो इसीलिए जैसे हमारा फोर जी की रैम है या एट जी रैम है तो एट जी तक की एप्लीकेशन को वो डाटा प्रोवाइड कर सकता है इतनी स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है एट जी तक और आप उतनी ही ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं तो यह आगे रैम ये टेम्परली इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और शॉर्ट टर्म के लिए जब सिस्टम ऑफ हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा ये मतलब इरेज कर देगी ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे रैम और रोम का जो टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल करेंगे कि रैम की में क्या क्या होता है सब कुछ हम ऑब्जेक्टिव वगैरह वो हम देखेंगे अब हमारा रोम ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन है रोम आ गई जो हमारा फोन की स्टोरेज आ गई फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फोन है थर्टी टू जीबी रोम सिक्सटी फोर जीबी रोम वन ट्वेंटी एट जीबी रोम ये आगे हमारी रोम है ये हमारी हम स्टोरेज देखते हैं कि हमारे फोन की कितनी है हमारे बत्तीस जी का फोन है चौसठ जी का फोन है या एक सौ अट्ठाईस जी का फोन है तो ये आ गया हमारी रोम इसकी परमानेंट स्टोरेज फोन की कि इतने जीबी तक ये डाटा स्टोर कर सकते चाहे वो एप्लीकेशन का डाटा हो जो हमने इंस्टॉल की हैं अगर आप व्हाट्सएप है वो व्हाट्सऐप का डाटा आपको इमेजेस आ रही हैं आपको वीडियोज आ रही हैं आपको ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं ये सब स्टोर होंगे रोम में आपका यूट्यूब है आपने यूट्यूब में जो वीडियो सर्च करके वॉच कर रहे हैं उनका डाटा आपने यूट्यूब में कोई वीडियो डाउनलोड की है उसका डाटा आप कुछ और चला रहे हैं आप टिकटॉक चला रहे हैं आप उसका डाटा जो स्टोर हो रहा है वो सब डाटा ये आ जाता है हमारा स्टोर होता है रोम में और ये रीड ओनली मेमोरी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए वो डाटा यही रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते तो ये आ गया डिफरेंस मेन रोम और रैम का आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या है रोम और रैम इसको डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे आज वाली हमारी बेसिक क्लास है उसमें हम अलग से चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे अब इसके बाद आता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस तो सिस्टम है हमारे पास कंप्यूटर है उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए हमें डिवाइसेस भी तो चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए अब है कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन थ्री मेन प्लेसेस तो रैम रोम हमने पढ़ लिया रैम थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगी रोम परमानेंट स्टोर करेगी और उसके बाद एक आ गया स्टोरेज डिवाइसेस तो कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं अब मोबाइल है हमारा थर्टी टू जी बी रोम अब आपके पास डाटा है ज्यादा तो हम क्या करेंगे उसमें हम लगाएंगे मेमोरी कार्ड हमारा एस डी कार्ड तो जो एस डी कार्ड है हमारा वो क्या आ गया हमारा स्टोरेज डिवाइस हमारा पेन ड्राइव लगाते हैं हम वो आ गया हमारा स्टोरेज डिवाइस देखते हैं बिफोर यू सेव योर वर्क द डाटा इज स्टोर्ड इन रैम जब तक हम हम कुछ वर्क कर रहे हैं हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं कुछ हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं जब तक हम उसको स्टोर नहीं करते सेव नहीं करते वर्क को जब वो सेव करेंगे वो हमारा स्टोरेज में आ जाएगा रोम में जब तक सेव नहीं करते वो हमारा कहाँ स्टोर होगा वो होगा हमारा रैम में स्टोर होगा रैन यू सेव अ फाइल जब फाइल को सेव कर दिया तो जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी रैम है रैम से स्टोरेज डिवाइस में हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी जो हमारी स्टोरेज है तो ये आ गया स्टोरेज का मेन प्रोसीजर तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या हैं हमारा हार्ड ड्राइव्स आगे हार्ड डिस्क आगे हमारी वो आ गया स्टोरेज डिवाइस फ्लैश ड्राइव आगे हमारा सी डी आगे डीवीडी आ आगे ब्लू रे आ, आ ये आ गया हमारे डीवीडी तो हमारे पेन ड्राइव आ गया ये पेन ड्राइव आ गया फ्लॉपी डिस्क आ गई तो ये सब क्या है ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारा एस डी कार्ड आ गया ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है तो ये सब आ आगे स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं चाहे वो मेमोरी कार्ड आ गया हमारे मोबाइल के लिए चाहे हमारे मोबाइल के लिए ड्राइव आ गया हमारे सिस्टम है कंप्यूटर है उसके लिए हमें पेन ड्राइव लगाते हैं चाहे हम हार्ड डिस्क लगाते हैं ये सब के आ गया हमारा स्टोरेज डिवाइसेस आई होप क्लियर हो गया आपका स्टोरेज डिवाइसेस का नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर क्या होता है तो हमने हार्डवेयर हमने डिस्कस किया था जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं अब सॉफ्टवेयर जनरली क्या है जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हमारा ओपेरा मिनी हमारा गूगल क्रोम हमारा व्हाट्सएप हमारा फेसबुक हमारे इंस्टाग्राम हमारा यूट्यूब ये सब क्या है सॉफ्टवेयर हैं इनको हम टच नहीं कर सकते हमारे जी है ये सॉफ्टवेयर है हमारा एमएस वर्ड है ये सॉफ्टवेयर है इसका इसको हम टच नहीं कर सकते तो ये क्या आ गया हमारा हम इसको फील भी नहीं कर सकते ये आ गया हमारा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये इंस्ट्रक्शन है दैट मेक इट पॉसिबल फॉर योर कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क तो सॉफ्टवेयर क्या गया कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि वो टास्क परफॉर्म करे अगर कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन है तो सॉफ्टवेयर होगा यो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करो आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं तो यूट्यूब खोला आपने वो उसको सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप यूट्यूब को खोलो तो ये सर्च करके हमें दो तो ये क्या आ गया सॉफ्टवेयर आ गया ये जो हमारी हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं जैसे हम लिख रहे हैं जेके स्टडी हॉटस्पॉट ये इसको ट्रांसफर कर रहा है बाइंड्री नॉलेज बाइंड्री नंबर्स में वन और जीरो जो हमने पढ़े थे हमने कूल देखा था कूल क्या है वो हमारी लैंग्वेज है हमने अपनी लैंग्वेज में अल्फाबेट में लिखा है कूल बट कंप्यूटर को कूल नहीं पता लैंग्वेज नहीं पता वो कंप्यूटर को पता है वन और जीरो बाइंड्री लैंग्वेज तो वो क्या कर देगा इसको ट्रांसफर कर देगा वन और जीरो की फॉर्म में वो वन और जीरो क्या है वो आ गया हमारे बाइंड्री नंबर तो बाइंड्री नंबर्स में वो उसको ट्रांसफर कर देगा आ गया सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो भी कॉल्ड अ प्रोग्राम आर एन एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं और एप्लीकेशन भी कहते हैं जो हमारी एप्लीकेशन आ गए हमारे मोबाइल्स में कितनी एप्लीकेशन है ना जाने ढेर सारी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम हमारा व्हाट्सएप हमारी फेसबुक हमारा इंस्टाग्राम ये सब क्या आ गए हमारी एप्लीकेशन आ गए या प्रोग्राम्स आ गए ये सब हो गए सॉफ्टवेयर हो गए हम इनको यूज करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को आगे देते हैं वो हमें डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो जो सॉफ्टवेयर है इसकी तीन कैटेगरीज हैं अलग अलग कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर हैं सबसे पहले आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली हमने क्या पढ़े थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद Mac पढ़ा था हमने और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम से मोबाइल का देख लो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जावा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंबियन ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड भी कह ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम इनके थ्रू सभी एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आ गया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद आ गया हमारा एप्लीकेशन application. तो एप्लीकेशन अभी हमने देखा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स यूट्यूब ये सब आ गई एप्लीकेशन जो हमें कुछ काम करना है ये हमें वो पाथ प्रोवाइड करती हैं कि हम वो जो अपना टास्क है उसको कर सकें इसके बाद आ गया एप्लीकेशन हो गए अब आगे यूटिलिटी तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो है जो कि जैसे कि हमारा एंटीवायरस आ गया ये आ गया हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ बैकअप करना है वो आगे हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर के आगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क को क्लीन करना है फाइल मैनेजर है हमारा तो ये क्या आगे ये आगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं कुछ टास्क करने के लिए तो ये क्या आगे ये डिजाइन है मेनली सिस्टम को हेल्प करने के लिए सिस्टम के लिए डिजाइन है ना कि हमारे लिए डिजाइन नहीं है जैसे फेसबुक वो हमारे लिए डिजाइन है बट जो डिस्क क्लीनर है सिस्टम सिस्टम के लिए की डिस्क को क्लीन करना फाइल मैनेजर फाइल को मैनेज करना प्रॉपरली वो आ गया हमारा सिस्टम का हेल्प करा है ये गया यूटिलिटी एंटीवायरस सिस्टम में कुछ वायरस है उसको डिलीट करना है कट करना है ये क्या आ गया एंटीवायरस ये भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है तो इसको हम खोलेंगे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने देख लिए सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर्स आगे मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम ओपेरा मिनी ये क्या आगे हमारे वेब ब्राउजर्स ई मेल्स आगे वर्ड प्रोसेसिंग आगे हमारे एमएस वर्ड वगैरह स्प्रेडशीट आगे डाटा बेसिस प्रेजेंटेशन पीपीटी आ गया ये हमारा जैसे ये पीपीटी बनी है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन है मेरी तो ये क्या आ गया पीपीटी ये भी आगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा क्या है डिफरेंस क्या है हार्डवेयर का हम हार्डवेयर को टच करेंगे हम हार्डवेयर को फील कर सकते हैं वो आगे हमारा हार्डवेयर जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है मेरा लैपटॉप है ये सब क्या है मेरे लैपटॉप को टच किया ये आ गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है यूट्यूब है इसको मैं टच नहीं कर सकता आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे बट आप यूट्यूब को टच नहीं कर सकते आप यूट्यूब को फील नहीं, नहीं कर सकते तो ये क्या है हमारा सॉफ्टवेयर है ओपेरा मिनी हमारा यूसी ब्राउजर हमारा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन है ये सब आगे सॉफ्टवेयर आई होप आपको क्लियर हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने अभी पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम इसको थोड़ा देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कंट्रोल करता है सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को जितने भी सॉफ्टवेयर है अब सॉफ्टवेयर तो बहुत से आगे हमारे फोन में अब उनको कंट्रोल करने वाला भी कोई चाहिए वो उनको प्रॉपरली मैनेज करे तो वो क्या आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम वो उनको अलो करता है हार्डवेयर को कि वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जैसे हमारा हार्डवेयर है हमारा कैमरा है सॉरी <coughs> मोबाइल है मोबाइल का कैमरा है तो कैमरा क्या आ गया हमारा हार्डवेयर है और जो हमारा उसमें सॉफ्टवेयर होगा कैमरे का जो कैमरे को परफॉर्म करेगा जो एप्लीकेशन है हमारी कैमरे की हम क्लिक करेंगे तो कैमरा हमारा खुलता है वह आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है ताकि दोनों जुड़े रहें जब हम कैमरे के आइकॉन पे क्लिक करें और कैमरा हमारा हार्डवेयर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे हार्डवेयर परफॉर्म करेगा अब माइक पे क्लिक करेंगे तो माइक हमारा ऑन हो जाएगा हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग करें कैमरे पे करेंगे कैमरा ऑन हो जाएगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उनको अलो करता है हार्डवेयर को कि वो प्रॉपरली वर्क करें और प्रॉपरली कनेक्ट रहे हमारे सॉफ्टवेयर के साथ दोनों इंटर रिलेटेड रहे तो ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम के टाइप से कुछ एमएस डॉस था पहले उसमें क्या था टेक्स्ट इंटरफेस था वो ओल्ड स्कूल वे ऑफ इनपुट था उसमें हमें सिर्फ टेक्स्ट दिखते थे हमारे जैसे अभी हम कंप्यूटर है उसमें हमें इमेजेस दिख रहे हैं हमें काफी अच्छे ग्राफिक्स हमें दिखते हैं तो जो एमएस डॉस था उसमें सिर्फ हमें टेक्स दिखता था और जो अभी हमारा जो सिस्टम है हमें उनमें हमें क्या ग्राफिक्स दिखते हैं उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो हम उसको क्या कहेंगे जी यू आई जी यू आई जो अलो करता है फॉर पॉइंट एंड क्लिक वो हमें पॉइंट एंड क्लिक भी अलो करता है हम किसी को पॉइंट करेंगे और माउस से क्लिक कर देंगे ये हमें अलो करता है जी यू आई तो डॉस में ये अलो नहीं था पॉइंट एंड क्लिक वो सिर्फ टेक्स्ट इंटरफेस था अब ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हमने अभी पढ़ी भी थी माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो सेवन विंडो एट विंडो टेन तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये आ गया एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद लिनुक्स लिनुक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्पेशल फंक्शन के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली ये हमारे जो पीसीस हैं पर्सनल कंप्यूटर उनमें लिनुक्स यूज नहीं किया जाता तो उसके बाद आता हैड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे पीडीएस डी एम पी थ्री सेलफोन्स अटसठ जो हमारे मोबाइल फोन है इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब आगे तो ये सब आगे किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका मेन फंक्शन है ये हार्डवेयर ये सॉफ्टवेयर इनको कनेक्ट करना ताकि जो हार्डवेयर है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो हार्डवेयर पे जाएगी और दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन जो हमें चाहिए वो परफॉर्म करेंगे तो यही था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ आ गई होगी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि जो कंप्यूटर से हम कुछ भी परफॉर्म करें ये एक नेटवर्क से कनेक्ट है अब जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप इसको देख रहे हैं तो ये किससे हो रहा है ये नेटवर्क से हो रहा है इंटरनेट की हेल्प से मैं अपने घर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं तो ये वीडियो कश्मीर में भी आदमी देख रहा है पुंछ में भी देख रहा है राजौरी में भी देखेगा आदमी जम्मू में भी देखेगा राजौरी में भी देखेगा आपके कठुआ में भी देखेगा उधमपुर में भी देखेगा तो ये किसके थ्रू देख रहे हैं ऑल इंडिया भी वीडियो देख रहे हैं जो मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो है वो ऑल इंडिया भी देख रहे हैं लोग तो ये किसके थ्रू देख रहे हैं ये देख रहे हैं सब ये हो रहा है नेटवर्क की वजह से तो नेटवर्क की थ्रू हम इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ तो क्या है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है उसको हम कहेंगे नेटवर्क नेटवर्क अलो पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन अब जैसे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं पीपल को जो अलो करते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करें आप भी लोगों के साथ इफॉर्मेशन शेयर करते हो आप फेसबुक में कुछ पोस्ट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो व्हाट्सएप पे डाल रहे हो ये सब आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो एंड रिसोर्सेज कुछ रिसोर्सेज आप शेयर कर रहे हो सच एज प्रिंटर्स स्टोरेज डिवाइसिस एंड इंटरनेट कनेक्शंस तो ये सब सबके आगे कंप्यूटर नेटवर्क में आगे आप कुछ नोट शेयर कर रहे हो किसी के साथ कुछ फाइल शेयर कर रहे हो ये सब सबके आगे हेल्प ऑफ हम किससे शेयर करते हैं नेटवर्क से नेटवर्क सर्विस इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट लेट्स यूजर्स शेयर स्टोरेज स्पेस एंड एप्लीकेशन तो हम एप्लीकेशन भी शेयर करते हैं नेटवर्क के थ्रू अब स्टोरेज स्पेसिस कैसे है अब आप देख लो क्लाउड स्पेसिस हम आपने देखा होगा गूगल ड्राइव अब गूगल ड्राइव पे हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं हमें स्टोरेज स्पेस दे रही है गूगल हम अपना डाटा कोई हमारी इमेज है कोई हमारी पीडीएफ फाइल है कोई वीडियो है हम गूगल में सेव कर सकते हैं अब गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है यूएस में अब वो जो स्टोरेज डिवाइस है जो गूगल का जहां हम डाटा स्टेव करें वो है यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में है और हम यहां पे बैठ के अपना जो हमारा इमेज है हमारी वीडियो है वो हम सेव कर रहे हैं वहां पे तो ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम नेटवर्किंग की कि हम अपनी इंफॉर्मेशन यहां से वहां सेव कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी हम शेयर करते हैं तो अब आप देखो हमारा आ गया प्ले स्टोर अब आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हो बट प्ले स्टोर यहां पर तो नहीं है आपके पास वो गूगल का हेडक्वार्टर वहां है वहां से है एप्लीकेशन वहां पे है बट हमें कहा मिल रही है यहां पे मिल रही है एप्लीकेशन हम यहां पे डाउनलोड कर रहे हैं व्हाट्सएप डाउनलोड करें इंस्टाग्राम डाउनलोड करें फेसबुक डाउनलोड करें तो ये सब हम डाउनलोड करें विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क तो नेटवर्क जो कंप्यूटर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है इंटर रिलेटेड हमारे मोबाइल फोन से जैसे हम कनेक्ट हैं तो नेटवर्किंग उनको कनेक्ट कर रहा है ताकि हम एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकें चाहे वो हम कोई एप्लीकेशन कर रहे हो चाहे कोई वीडियो कर रहे हो चाहे कोई पीडीएफ फाइल कर रहे हो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आ गया नेटवर्किंग के थ्रू सभी काम आज के टाइम पे नेटवर्किंग के थ्रू होते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं नेटवर्क आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं पेटीएम पेपल आप कुछ भी यूज कर रहे हैं फोन पे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे तो वो किससे कर रहे हैं आप नेटवर्किंग के थ्रू कर रहे हैं आप व्हाट्सअप चला रहे हैं आप फेसबुक चला रहे हैं आप कुछ अपडेट करें मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूं ये नेटवर्किंग की वजह से है मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूँ अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ये वीडियो आपके घर तक पहुंच रही है ये विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग पहुंच रही है ये मेनली किसके थ्रू हो रहा है इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये था नेटवर्किंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेटवर्किंग यहां जैसे ये इमेज भी है यहां पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है ये इन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है उसके बाद ये वाले कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं देन ये कंप्यूटर सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं आप देख सकते हैं ये वाला जो कंप्यूटर है ये वाला ये भी देखो फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है कैसे है हम इसको देखते हैं देखिए ये कंप्यूटर आ गया अब इसका पाथ देखो ये यहां से ये सीधा फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है अब ये कंप्यूटर है ये भी यहां से गया है यहां से इसका पाथ फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है तो सभी नेटवर्किंग में एक दूसरे के साथ सिस्टम कनेक्ट है हम उसको कहेंगे नेटवर्क सिस्टम तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेटवर्क क्या होता है सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टूडे लेक्चर आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको समझाया है कि जो बेसिक हम कंपोनेंट्स कम्पोन कुछ कंप्यूटर्स के वो हम आज डिस्कस कर लिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कुछ एम भी लेके आऊंगा ये हमारी जो फर्स्ट क्लास थी बेसिक इसलिए इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं लाया नेक्स्ट क्लासेस में मैं एमसीक्यूज भी लाऊंगा तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा उनको भी बता दीजिएगा कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें और अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं इंडिया के नेम्स पे आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डेली के आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और कुछ जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है कुछ कोई कोई रिजल्ट आ रहा है कोई एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं कुछ भी है किसी की लास्ट डेट आ रही है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे फेसबुक टेलीग्राम पे तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अकाउंटेंसियन बुक कीपिंग और आपको उसकी ई बुक चाहिए तो ई बुक आपको मिल सकती है आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है नाइन फोर वन नाइन टू सिक्स फाइव थ्री जीरो एट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आपने कहना है कि आई वॉन्ट टू परचेज ई बुक तो आपको ये ई e बुक मिल जाएगी विद जेन्यून कॉस्ट तो आपको इ बुक कंप्लीट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है इसमें वन थर्टी टू पेजेस की ई बुक है जिसमें आपको सेक्शन वाइज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी आपको आगे एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको कुछ पंद्रह बीस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगे तो अगर आप पूस्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन तो आप ये ई बुक परचेज कर सकते हैं तो ये प्रिंटेड मटेरियल है कोई हैंड रिटर नहीं है आपको बिल्कुल क्लियर कट प्रिंट है आपको यहाँ पे डायग्राम मिलेंगी पिक्चर्स के थ्रू आपको सब कुछ मैंने बताया हुआ है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यही था आज की डिस्कशन में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स थैंक यू हैव अ नाइस डे